कहते हैं इसको चिली चीज ऑन टोस्ट, हम लोग बोलते हैं ब्रेड पिज्जा, चाहे कुछ भी बोले टेस्ट में तो लाजवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना ब्रेड पिज्जा। सबसे पहले लेंगे एक अंडा और अंडे को फेंट लेंगे अच्छे से। पैन में डालेंगे एक चम्मच तेल और एक चीज, जब भी ऑमलेट बनाएं तो अपने पैन को अच्छे से गर्म कर लें। गर्म पैन में बनता है एकदम लाइट और फ्लफी अंडा। अंडे को फैला लेंगे और पकने देंगे दोनों साइड। अंडे पे कलर आ चुका है, अब करेंगे अंडे को साइड पे और अंडे को होने देंगे ठंडा, क्योंकि उसको चीज में मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने ले रखा है मोजरेला चीज, आप चाहें तो कोई और चीज भी ले सकते हैं। चीज की क्वांटिटी है 100 ग्राम, उसमें डाल रहे हैं आधा कटा हुआ शिमला मिर्च, साथ ही साथ डालेंगे 2 से 3 कटी हुई मिर्ची। भाई इंडियन जायका लाने के लिए डालेंगे इसमें आधा चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर का और स्वाद अनुसार नमक। अंडा हमारा ठंडा हो चुका है, अब अंडे के काट लेंगे पतले पतले चूड़ियां। अगर आप लोगों को अंडा पसंद नहीं है तो आप लोग अंडे को रेसिपी में से हटा भी सकते हो। अंडे को मिला लेंगे चीज के मिक्सचर में और अब करेंगे हम अंडा और चीज मिक्सचर को मिक्स। एक चीज का ध्यान रखना है, मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि हमने इसके अंदर डाल रखा है नमक। मैंने यहाँ पर ली है 2 नंबर ब्राउन ब्रेड, आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। अब मिक्सचर को फैला लेंगे अच्छे से ब्रेड के ऊपर और फैलाने के बाद मिक्सचर को ब्रेड पे अच्छे से दबा लें, क्योंकि जब आप ब्रेड को उठाओगे तो आपका मिक्सचर गिरना नहीं चाहिए। जिस तवे पे हमने अंडा बनाया था उसी तवे में हम डालेंगे ब्रेड और मिक्सचर को। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, ब्रेड को ठंडे तवे पे डालना है। पैन गरम होगा तो ब्रेड नीचे से जल जाएगी और चीज आपका मेल्ट नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हो चीज एकदम मेल्ट है। अब काटेंगे साइड्स को। अब चीज मेल्ट होने में टाइम कितना लगा, एक बार ढक्कन लगा दिया उसके बाद लेगा चीज मेल्ट होने में 2 से 3 मिनट। अब आप चाहें तो उसको 1 का 2 काट सकते हो या 1 का 4। तो लीजिए ब्रेड पिज्जा और चिली चीज टोस्ट रेडी है सर्व करने के लिए। और यकीन मानिए जब 4 से 5 हल्की हल्की भूख लगती है तो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट स्नैक्स है।